Hello dear students, so today we are going to continue with the previous topic of class 10 and quantization of charge ke kuch aur numericals. So first question jaise aapko aa jaye ki you are given a charge of 5 nanocoulomb, kitne electronic charge milke itna charge banayenge. To ye agar hame pata lagana hai to again jaise pichle video mein aapko bataya tha ki quantization of charge ke hisab se q is equal to Ne, ये फॉर्मूला आपने लगाना है. सो हियर वी आर गिवन Q इज इक्वल टू प्लस 5 नैनो कूलम. और नैनो का क्या मतलब बताया था मैंने, 10 रेज टू द पावर माइनस 9 कूलम. ऑलराइट, और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो ये वाला फॉर्मूला रेफर करके यहां पे अगर n निकालना है तो n यहां रहने दिया, e दूसरी तरफ q के नीचे आ गया. सो q की जगह पे लिख देंगे 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 9 और नीचे 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम. अब इसको स्पीड से करने के लिए एक मेथड बताता हूं. 5 इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 9 प्लस 19. अब इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये वाले न्यूमेरिकल में कई बार ये 1 डिवाइडेड बाय 1.6 आएगा. तो यू कैन राइट 5 की जगह 5, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये वर्क आउट होता है 0.625 और इधर बन जाएगा 10 रेज टू दी पावर 10, पता लग गया प्लस 19 एंड माइनस 9, सो यू गेट 10 रेज टू दी पावर 10. अब इसको मल्टीप्लाई करने का अगेन टेक्निक, यू सी जब ऐसा हो कि 5 एंडिंग है यहां पे नंबर और इसके पहले जो नंबर है इवन नंबर है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मेक्स 25 एंड 62 का आधा. सो दिस इज दी मल्टीप्लीकेशन और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3. तो यहां से काउंट कीजिए 1, 2, 3 और ये जगह डेसिमल लगा गया और ये इसका मल्टीप्लीकेशन था इंटू 10 रेज टू दी पावर 10 ऐसे का ऐसे. इज दैट ओके? सो वेरी सिंपल. इसी तरह से लेट अस सी द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वाला देखिए, यू आर गिवन अ क्वेश्चन दैट q इज इक्वल टू -3.2 माइक्रो कूलम. तो इसके अंदर फिर से वही, अगर q की वैल्यू -3.2 माइक्रो कूलम है तो -3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 कूलम, ये नोट कर लिया. मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम है, इसी का डेसिमल है, प्लीज रिमेंबर. सो अगेन n पता लगाना है, सो n इज इक्वल टू e q के नीचे गया q अपॉन e. q की वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 कूलम और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -9. आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने यहां पे माइनस साइन नहीं लिया. इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें और फिर बाद में आंसर कैसे करना है वो भी बताएंगे. सो यहां पे इसको इसको और इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें, ये 32, ये 16, फिर 10 की पावर -6 प्लस 19. तो 16 × 32, 2 × 10 रेज टू दी पावर कितना आ गया, प्लस 30. ओके, प्लस 19 एंड -6 gives you plus 30. अब n की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻³⁰. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब यहां पर ये चार्ज क्या था, नेगेटिव था, इसका मतलब दीस मेन इलेक्ट्रॉन्स आर सरप्लस ऑफ दैट बॉडी. तो जब भी इलेक्ट्रॉन सरप्लस होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा. सेम वे लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो q
is equal to 8 pico coulomb, which is 8, pico stands for 10 raised to the power minus 12 coulomb, is in 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. So, फिर से n is equal to q upon e आ गया और यहां पर 8 into 10 raised to the power minus 12 और यहां पर आ जाएगा 1.6 into 10 raised to the power minus 19. इसका डेसिमल हटाने के लिए यहां 16 बना दिया, यानी 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू गेट 10 रेज टू द पावर माइनस 12 एंड प्लस 19. सो यहां पे इस बार हमने 1.6 का रेसिप्रोकल ऊपर नहीं लिखा था, सो यहां पर 80 16 से कैंसिल हो जाता है, 16 5 इज 80, सो 5 इनटू 10 रेज टू द पावर प्लस 7. और यहां पर चार्ज क्या बताइए, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब पॉजिटिव है, सो 20 में इलेक्ट्रॉन्स आर डेफिशिएंट. इसी तरह से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, स्लाइटली डिफरेंट, ये करके देखते हैं. सो यू पीपल सी, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स विल मेक ए चार्ज ऑफ 3.2 मिलीकूलम. सो क्यू कितना है टोटल चार्ज, क्यू इज द टोटल चार्ज कितना है 3.2 मिलीकूलम, 3.2 मिलीकूलम यानी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम. नाउ कमिंग टू द अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, सो उसके ऊपर चार्ज होता है जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है उसका 2 गुना, एंड दैट बिकम्स 2 इंटू 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. That gives you 3.2 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. So, हमें पता लगाना है कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल. अब देखो अगर एक अल्फा पार्टिकल है तो उसका चार्ज कितना है 2 टाइम्स ऑफ ई, अगर दो अल्फा पार्टिकल है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा 2 into 2 टाइम्स ऑफ ई. तो कितने अल्फा पार्टिकल मिलके ये टोटल इतना चार्ज बनाएंगे, तो मान लो एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मिलके इतना चार्ज बनाएंगे, तो एन टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल चार्ज. सो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू अल्फा, क्यू की वैल्यू कितनी दी है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, नीचे है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19. सो ये तो सिंपल हो गया, 1 आ जाएगा यहां पे 10 की पावर माइनस 3 एंड प्लस 19 ऊपर जाके, सो ये बन गया 10 की पावर 16. इसका मतलब 10 की पावर 16 अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे, तो चार्ज वो बना देंगे कितना 3.2 मिलीकूलम. तो इसी के साथ ये वाले न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे. तो आज के लिए बस करते हैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.